हेलो माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल वेल। आई एम गुड। समर टाइम इज बीच टाइम, सो टुडे आई एक्सप्लोर बुशान हुंदे बीच। आई नो इस दिस प्लेस इज फेमस बीच, सो देखते हैं हम लोग कितने टाइम यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत धूप है और बहुत ही गर्मी है। सामने सी है फिर भी बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो चलिए देखते हैं। हमारा रूम से हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग का जो होटल था वो 20 से 200 मीटर, 250 मीटर का डिस्टेंस था। तो ये देखिए जा रहे हैं। हम लोग गए थे फ्राइडे, सो फ्राइडे ज़्यादातर लोग आते हैं, क्योंकि इस टाइम समर का जो वैकेशन चल रहा है इंटरनेशनल स्कूल में या फिर कोरियन स्कूल में, तो इसलिए बहुत ही भीड़ था उस टाइम। उस टाइम समर बीच का जो फेस्टिवल भी वो भी चल रहे थे। ये बुशान हुंदे स्ट्रीट है, बहुत ही सुंदर लग रहे है। कोरिया में जब समर टाइम का टाइम पूरा स्ट्रीट के ऊपर ये कूलिंग सिस्टम रहता है, मतलब डीह्यूमिडिफायर टाइप का जो सिस्टम होता है, कूलिंग फैन, वेपर फैन, ये सब रहता है। बस में तो एसी तो ऑन ही रहता है, फिर भी स्ट्रीट पर भी है। ये देखिए लेफ्ट साइड में पूरा जो स्टैंड में वो धुआं धुआं टाइप का निकल रहा है, कूलिंग फैन। ये देखिए ऊपर से हम लोग रोड कर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद बीच। इतना गर्मी था, बाप रे क्या बताओ, और ऊपर से इतना भीड़ था। समर का टाइम इतना भीड़ कैसे हो सकता है, पता ही नहीं चलता है। फेस्टिवल था इसीलिए और भी लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम लोग एक पैरासोल रेंट में लिए थे, ये देखिए हम लोगों का। उस थोड़ा नहाने के बाद हम लोग रूम चले गए थे। उसके बाद देखते हैं नाइट टाइम का क्या व्यू है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगे।
enjoying the view? Mama, but she coming us. No, she's not coming. She just floating in one point. Only one point. Hey. In one place. That place? Yeah. Mama, Nita never will know. बुशान में और एक बीच है जो ये हुंदे बीच है उसके पास ही है, मतलब बास से 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स लगता है, डायरेक्ट बास है। वो बीच का नाम है ग्वांगली बीच, ये जहाँ पर बुशान फायरवर्क फेस्टिवल होता है यहाँ पर ही होता है। और ये देखिए, ये इवनिंग में हम लोग आए थे तो इवनिंग का जो व्यूज़ है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए थीम, बहुत सारे थीम भी यहाँ पर लगा है, बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए लाइटिंग शो वो ब्रिज के ऊपर हो रहा है। बीच का नाइट व्यू या फिर मॉर्निंग व्यू या फिर डे का व्यू जो होता है वो आप लोगों का कौन सा व्यू अच्छा लगता है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैसे जाना है, मतलब एड्रेस वगैरह और कैसे जाना है, पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।